फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा देश की आज़ादी को लेकर की गई टिप्पणी पर देश भर में रोष व्याप्त है। अजमेर के 3 अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराकर गिरफ्तारी की मांग की गई है और कंगना रनौत पर स्वतंत्रता सेनानी और देश का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। अजमेर के महिला कांग्रेस द्वारा महिला थाने में शिकायत दी गई है, तो वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही एक आम नागरिक द्वारा किशनगंज थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल अपने समर्थकों के साथ सिविल लाइंस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत देते हुए बताया कि देश की आज़ादी को लेकर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने अमर्यादित टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के चलते अजमेर ही नहीं देश भर में रोष व्याप्त है। कंगना रनौत द्वारा देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही देश के नागरिकों का अपमान किया गया है। ऐसे में उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह में मुकदमा दर्ज कर जल्द गिरफ्तारी की जानी चाहिए और इस मामले में उचित कार्यवाही की जानी चाहिए से लेकर लिखित मुकदमा दर्ज कराया गया है। मैं किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं हूँ, मैं केवल एक सामान्य आम नागरिक हूँ और मेरा नाम अंशु श्रीवास्तव है। परसों जो कंगना रनौत जो अभिनेत्री हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान एक बेतुका बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 1947 में मिली हुई आज़ादी भारत को वो भीख में मिली थी, जिससे कि हमारे स्वतंत्र सेनानी और जो हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और ये पूर्णतः जो है देश विरोधी है। तो मैं यहाँ पर जो है किशनगंज थाने में जो है मुकदमा दर्ज कराने आया था, जिसमें यहाँ की जो सीआई साहब हैं और मैडम हैं प्रियंका रघुवंशी जी, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि संबंधित धाराओं में जो भी कार्रवाई बनेगी वो हम उनके खिलाफ करेंगे और यह मैंने आज मुकदमा दिया है। ये किसी भी राजनीतिक या फिर भी किसी भी जो है सामाजिक इशू ना होकर के ये मेरा एक पर्सनल इशू है, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय होने के नाते मैं हर जो है भारतीय से चाह रहा हूँ कि वो इस मुहिम में जो है हमारे साथ जुड़े और कंगना रनौत को जरूर कानूनी कार्रवाई की जाए और जो है उनको इस बेतुके बयान पे उनको तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि जो भावनाएं आहत हुई हैं भारतीयों की जो है उनको मिल सके। किस तरह की टिप्पणी करी थी उन्होंने? उन्होंने देखिए, एक कार्यक्रम के दौरान टॉक शो था और टॉक शो में केवल एक नॉर्मल उन्होंने बयान में कहा कि हम लोग जो है वो नॉर्मल बातचीत हो रही थी। उस वीडियो में वो वीडियो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हो रहा है और उस वीडियो के दौरान उनको कहते हुए सुना गया है कि जो 1947 में हमको आज़ादी मिली वो भीख में मिली थी, यानी जो स्वतंत्र सेनानी जो फांसी पे लटके या जिन्होंने तलवारें उठाई, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उनको एक तरह से भिखारी के रूप में उन्होंने बताया और उनकी तरफ से उनके हिसाब से असली आज़ादी 2014 में जो है इंडिया को मिली है। तो उन्होंने बेतुका बयान दिया है, शब्द बिल्कुल निराधार हैं, अपमानजनक शब्द हैं, तो एक भारतीय होने के नाते हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग सहन नहीं कर सकते। मैं अंशु श्रीवास्तव हूँ अजमेर से।